जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। पूर्णिमा हमारे जीवन में चांदनी बिखेरने के लिए पूर्ण रूप से चंद्रमा अपनी सभी कलाओं को लेकर पूर्णिमा पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इस आशीर्वाद को और बढ़ाने के लिए, जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए पूर्णिमा पर विशेष क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। पूर्णिमा पर करने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में आज आपको जानकारी देती हूँ। चंद्रमा हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, मन को शांति, धैर्य, शीतलता, प्रेम। चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धि और कल्याण के लिए भी माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, अपनी पूरी कलाओं में होते हैं। इस दिन को माँ लक्ष्मी की विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास से अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करा जाए तो माँ अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करती हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, धातु का, अन्न का, जल का या फिर वस्त्रों का। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से मनाया जाता है और पूर्णिमा की रात्रि में अगर माँ के मंत्रों के साथ उनको स्मरण किया जाए तो माँ स्थिर रूप से घर में वास करती हैं। माँ के अलग अलग रूप हैं और माँ का एक रूप चंचला भी है। वो इतनी चंचल हैं कि वो एक जगह रह नहीं पाती। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं माँ को घर में एक स्थान प्रदान करने की, अपने घर में हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की, तो हम उनकी स्थिर रूप से माँ स्थिर लक्ष्मी की पूजन करने का आपको उपाय बताते हैं। तो आप भी माँ के स्थिर रूप को अपने घर में रखने के लिए ये कार्य ज़रूर करें। इस दिन आपको कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी के पात्र में ज़रूर रखाना चाहिए। इस दिन आपको सफ़ेद रंग के चंदन और सफ़ेद पुष्प आपको भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर अर्पित करने चाहिए। साबुदाने की खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। पूर्णिमा को अगर आप एक पात्र में थोड़े से, यानी कि एक किसी बर्तन में थोड़े से चावल ले लें और चंद्रमा के नीचे उसे आप रख दें और अगले दिन वो चावल आप एक हल्दी की गांठ के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आ पाती उन घरों में कलह बहुत रहता है। चंद्रमा की रोशनी जिन घरों में नहीं आती उन घरों में डिप्रेशन के शिकार लोग बहुत रहते हैं। जिस घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी नहीं आती वहाँ पर लोगों की शादियाँ या तो हो नहीं पाती और होती हैं तो टिक नहीं पाती। इसलिए चंद्रमा की रोशनी का भी अपना एक बहुत महत्व है। चंद्रमा की रात्रि में आपको, यानी कि पूर्णिमा की रात्रि में आपको चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर उनकी चांदनी को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको एक बाल्टी के अंदर थोड़ा सा जल रखकर अपनी छत पे रख देना चाहिए जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उसमें आकर पड़े, और उस जल को अगले दिन आपको एक बोतल में भरकर अपने पास रख लेना चाहिए और रोजाना नहाने से पहले आपको उस बोतल में से थोड़ा सा जल निकालकर अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से अपना स्नान करिए, देखिएगा आपके जीवन में प्रेम आने लगेगा, आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा, आपकी परेशानियों से आप दूर होने लगेंगे। इस जल को आप अपने साथी के ऊपर भी छिड़क सकते हैं,
तो वो भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो आप इसे पिला भी सकते हैं। लेकिन ये जल आपको अपनी छत से सुबह 4 बजे से पहले पहले नीचे ले आना है। सूरज की रोशनी आते ही इस जल की पावर ख़त्म हो जाएगी। आज की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि होती है, इसलिए आज की रात्रि में हम बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स, जैसे कि रुद्राक्ष, जैसे कि स्टोन्स, इन्हें आज चार्ज किया जाता है, यंत्रों को चार्ज किया जाता है। आज के दिन हम चावलों को चुपचाप ठाकुर जी के मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। चंद्रमा की चांदनी आपके जीवन में हमेशा आपको सुख देने का काम करती है। अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में अपनी नाभि पर अपना सीधा हाथ रखकर चंद्रमा को देखते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं तो आपकी ये कामना ज़रूर पूर्ण होती है। ज़रूर बताया करिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, इसमें आप क्या और बढ़वाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अद्भुत लेकर आऊँ। चलिए जी, फिर मिलूँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।